बहुत शुक्रिया जी। ले जी, गाना बहुत ही खूबसूरत है, मुझे पता है कि आप सब इंजॉय करेंगे, सभी पंजाबी को बहुत मजा करते हैं। चिट्टा चोला नहीं बुनेदा, तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अजान नमाज का एक 5-7 मिनट का वक्फा किया जा रहा है, जिसके दौरान आप अपनी नशस्तों पर बैठे रहें, कोशिश करें कि ज़रा डिसिप्लिन के साथ बैठे रहें, अगर कोई थोड़ी देर के लिए जो है वो इधर उधर भी होना चाहे, लेकिन अपनी सीट से ऊपर जो है वो प्लीज़। अपना आदर भी भलाइयो, बंदे नजर आन दो ना, थले बैठे हैं माड़े माड़े, ये बंदा आ गया। अच्छा जी भाई, बैठ जा, लाइट पहन दी चोरा चेहरा रोशन कराओ। कोई बंदा तो रोक नहीं लगा, आप सबका मेरे शो चाहिए।
आप सबका भरपूर शोर चाहिए। चिट्टा सूट न पाया कर वो नजर के लुलक जावे इंच मार सारे दोस्त थल बैठ के डांस कर रहे हैं। यहाँ खड़े हो पता लगे तो चिट्टा शोला सीधे सगजी नहीं भूलेगा डोले भी मुझे चिट्टा शोला सीधे सगजी नहीं भूलेगा डोले भी मुझे तरीके और भी हैं इस तरह परखा नहीं करते
तरीके और भी हैं इस तरह परखा नहीं करते, चरागों को हवा के सामने रखा नहीं करते। तरीके और भी हैं इस तरह परखा नहीं करते, चरागों को हवा के सामने रखा नहीं करते। मोहब्बत फैसला करती है पहले चंद लम्हों में, मोहब्बत फैसला करती है पहले चंद लम्हों में। जहां पर इश्क होता है वहां सोचा नहीं करते। आप वैसे मोहब्बत और इश्क में सोचते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं। कोयल बहुत मोहब्बत करता है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी मोहब्बत मिलती है यहाँ से। चलिए इन्हीं मोहब्बतों के दरमियान हम पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत को जो है वो बुलाना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ रखा हुआ है, किसी ना किसी को कोई कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। लेकिन सोचिए जरा आज की जिंदगी के अंदर अगर हमें कोई मुस्कुराहटें दें, एक हंसी दे जो हमारे दिल को खुश कर दे, वो कितना बड़ा शख्स होगा। तो एक ऐसा ही शख्स मैं आप लोगों के लिए जिसकी जिंदगी जो है वो एक स्टोरी से कम नहीं है, ये एक सक्सेस स्टोरी से कम नहीं है, जिसने कभी अपने आप को जो है वो पीछे नहीं होने दिया। जमाने की तेज लहरें, हालात के जितने मर्जी थपेड़े हों, लेकिन वो उसके सामने चट्टान बन के खड़ा हो गया और अब से थोड़ी ही देर के बाद इस स्टेज पे होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसा फनकार जिसने लोगों के दिल जीते, जिसने लोगों को उम्मीदें और खुशियां दी, पाकिस्तान की पहचान, FM 103 रेडियो की पहचान। आपने एक सियासी थिएटर देखा होगा शो वसी शाह जिसको होस्ट करते हैं, उसके अंदर वो लीड रोल करते रहे। गपशप लग पता जाएगा आप न्यूज के ऊपर और जबरदस्त एक शो न्यू टीवी के ऊपर। मैं आपकी भरपूर तालियों के अंदर पाकिस्तान के कॉमिक सटायर का सबसे बड़ा सितारा और सबसे बढ़कर के एक जीती जागती आप और मेरे लिए जो है वो मिसाल, आपकी भरपूर तालियों में यासर अब्बास मलंगी। यासर अब्बास मलंगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तालियां नहीं रुकनी चाहिए मेरे सरकार के लिए जो पाकिस्तान की पहचान है। मैं बड़ा मशहूर हाँ सुल्तान मोहम्मद अलकंदरी साहब का नेम जान साहब का और पाकिस्तान कुवैत की जी है जी एसोसिएशन है जी जरा 60 साल की मोहब्बत जिन्होंने कट्ठिया किया। लो जी एक शेर के दुख इस बात का नहीं, दुख इस बात का नहीं कि उसकी शादी हो गई है, दुख इस बात का नहीं कि उसकी शादी हो गई है, खुशी तो इस बात की है कि मेरी भी हो गई है, खुशी तो इस बात की है कि मेरी भी हो गई है, इस परचम के साए तले हम एक हैं। ओके थैंक यू सो मच। अच्छा जबरदस्त, एक मैं आपको बता दूं कि मलंगी साहब का जो पूरी लाइफ का थीसिस है ना, जो रिसर्च है, वो लड़कियों के ऊपर, खवातीन के ऊपर और अपनी बेगम के जुल्म और सितम के ऊपर जो है वो इनका रिसर्च है। आपको इनकी शायरी के अंदर से जो दर्द है वो फूट फूट के जो है भरा हुआ मिलेगा, जो अब आप महसूस भी करेंगे और आपको अगले कई मिनटों तक जो है वो याद भी रहेगी। अच्छा एक मजे की बात, परदेसी बंदा हमेशा मजबूर होता है, हमेशा दुखी होता है, ऐसा ही है ना? अच्छा इसके दो दुख होते हैं और बहुत बड़े दुख। एक दुख अगर कोई परदेसी यहां पे है, उसकी बीवी पाकिस्तान में है, वो फिर भी दुखी है, और अगर जिसकी बीवी यहां पे है वो उससे भी बड़ा दुखी है। अच्छा मैं रेडियो पे था, रेडियो पे मेरे से किसी ने सवाल किया कि मलंगी साहब ये बताएं कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है। मैं कह यार को बहुता फर्क नहीं, बंदा खूह च छाल मारे उन लव मैरिज कहते, 5-7 लोग धक्का देने की अरेंज मैरिज कहते, जाना खूह च हुंदा भावे आप छाल मार लो भावे लोग धक्का दे। एक शेर, हाय हाय, ये शादी नहीं आसान,
बस इतना समझ लीजिए, ये शादी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, फरमैल की गोली है और चूसते जाना है, फरमैल की गोली है और चूसते जाना है। अच्छा माशाल्लाह, वैसे मैंने थोड़े जोर शोर तो मजा आ रहा है, लव यू, जूंदे रहो, सलामत रहो, क्योंकि मैं कहना हूं अक्सर कहात के रक्षा पेट्रोल से चलता है, मलंगी थोड़िया ताड़िया से चलता है, थोड़िया ताड़िया शेर के चंगा सी तेनू दिल ना देंदे, आशिक वाली शेर है, चंगा सी तेनू दिल ना देंदे, दिल दिता सी फिर ढिल ना देंदे, चंगा सी तेनू दिल ना देंदे, दिल दिता सी फिर ढिल ना देंदे, तेरी थां जे होर कोई हुंदा कसम रब दी छिल ना देंदे, तेरी थां जे होर कोई हुंदा कसम रब दी छिल ना देंदे, और जिदे नाल भी वाह प्याए, जिदे नाल भी वाह प्याए ओई लौंदा दा प्याए, जिदे नाल भी वाह प्याए ओई लौंदा दा प्याए, डंगर भी फिर उधर गए ने जिथे बहुता घा प्याए, डंगर भी फिर उधर गए ने जिथे बहुता घा प्याए, और जिदे भी गल पूरा आया ओदे ही गल फा प्याए, मेरी मुद्री मोड़ दे मैनू तेरा छल्ला, तेरा छल्ला आ प्याए। ओके जी, थैंक यू। एक नजर मेरी बड़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे, और मैं जरूर चाहूंगा कि माशाल्लाह जितना अच्छा क्राउड है वो थी के सानू कंटिन्यू तो खे, इट्स ओके, सानू कंटिन्यू तो खे, इट्स ओके, साड़ी पहली चोरी पहले ही था, साड़ी पहली चोरी पहले ही था, उन्होंने हजार मौके, इट्स ओके, उन्होंने हजार मौके, इट्स ओके, और अख चुक के उन्हें सानू तकिया ही नहीं, जुलम हो गया, अख चुक के उन्हें सानू तकिया ही नहीं, असी बैठे रहे मुंह धो के, इट्स ओके, और लोकां नू होटलां विच ट्रीटां, लोकां नू होटलां विच ट्रीटां, सानू चाह दे खोखे, इट्स ओके, थैंक यू सो मच जी। ओके, और एक शेर लो जी, आजकल शेर जी के साड़ी कार दी फ्रंट सीट छाड़ के, साड़ी कार दी फ्रंट सीट छाड़ के बह गई है लोकल कोच पे, साड़ी कार दी फ्रंट सीट छाड़ के बह गई है लोकल कोच पे, जा लानत तेरी सोच पे, ओके। और आज माशाल्लाह आज मेरी भैन आज माशाल्लाह तैयार शहर होके आई ने, और मैं बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं फील हो रहा है, गर्मी भी लग रही है क्योंकि हजूम भी इन्ना ढेर सारा है, अजकल प्रॉब्लम ये वे अजकल दिया बेसा भी इन चंगी नहीं होंगे, हाँ भाजी डेढ़ घंटे बाद असल शक्ल निकल आती है, इस वास्ते एक शेर जी उन्होंने असी धुप समझी ओ छां निकली, असी धुप समझी ओ छां निकली, असी मज समझी ओ गां निकली, असी धुप समझी ओ छां निकली, असी मज समझी ओ गां निकली, बेड़ा घर के ना ब्यूटी पार्लर दा, असी कुड़ी समझी अगू कुड़ी भी ओ मां निकली, ब्यूटी पार्लर दा असी कुड़ी समझी उगू कुड़ी दी ओ मां निकली, हाय हाय। और जी एक एक बहुत प्यारी चीज, जी अजकल दी मोहब्बत परसों चौथ हो गई है, अजकल दी मोहब्बत परसों चौथ हो गई है, बहुत हो गई है, अजकल दी मोहब्बत परसों चौथ हो गई है, बहुत हो गई है, और उन्हें मैनू अनफ्रेंड कीता, उन्हें मैनू अनफ्रेंड कीता,
दिता, मेरे बंदू वो फौत हो गई है, बहुत हो गई है, मेरे बंदू वो फौत हो गई है, बहुत हो गई। और एक एक नई चीज है मेरी, अभी वो सारी बात है अभी वायरल हुई है, वो बिल्कुल उसकी फरमाइश भी है, मैं जरूर सुनाऊंगा। वो था कि दिल आया तेरे ते, दिल आया तेरे ते, लख दी लानत मेरे ते। तालियां नहीं चाहिए आप प्लीज। ओके ओके, लव यू लव यू। दिल आया तेरे ते, लख दी लानत तेरे ते। अच्छा इतना परफेक्ट आया लानत ते ना। हाय हाय, दिल आया तेरे ते, लख दी लानत मेरे ते, हीर तोरती खेड़े नाल, हीर तोरती खेड़े नाल, मैनू भेजता डेरे ते, हीर तोरती खेड़े नाल, मैनू भेज के डेरे ते, लख दी लालत मेरे ते। और ड्राइवर बन के नौकरी की, ड्राइवर बन के नौकरी की, सुजे मुहारक फेरे ते, लख दी लालत मेरे ते। थैंक यू सो मच जी, माशाल्लाह। मेरी जान यार, मेरे माशाल्लाह भाई पाकिस्तानी कमेज ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਾਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਰੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੁਵੈਤ ਸੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 15 ਸਾਲ ਸੇ ਆਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਪ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤੋਂ ਦਾ ਸਫੀਰ ਹੈ ਯਾਰ ਸੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ और जो पाकिस्तान भी पाकिस्तानी पाकिस्तान की खिदमत करेगा हम उसे अपने सर आंखों पे रखेंगे। इसकी एक एक्ट आपको बताता चलूं, वो ये है, एक तो शरीफ है, मासूम है हिज एक्सीलेंसी, और सबसे बड़ी बात ये पिछले 12 साल से हवली से जाबरिया पैदल जाता है 14 अगस्त वाले दिन एक मखसूस लिबास पहन के पाकिस्तान का, भरपूर तालियां इस पाकिस्तानी के लिए। अच्छा वैसे एक गल हो, वैसे ना मैं एक गल वेखी कमेज च आ के माशाल्लाह सारे लोगों ने स्टेटस लाने की बहुत आदत है, हर बंदा स्टेटस ला रहा है ये सोचे बगैर कि उस स्टेटस एदा बनता भी है कि नहीं। रऊ मेरी जान साडा ऐसा भरा है, अंब खावे नू घर दे कहिण पुत कमीज ला ला, एदा दा बंदा भी स्टेटस ला रहा होंदा माई लाइफ माई रूल। पाकिस्तानी अज कठे हो और अज बहुत चंगा लगे ऑनेस्टली, अल्लाह की कसम थोड़िया मुहब्बत थोड़िया चाहत थोड़िया ये सारिया मेरे नाल जाणगियां। और मैं जो आया कुवैत तो मैं इदा लग रहा जिदा मैं नानकिया ने घर आया, इन्नी मुहब्बत इन्ना प्यार इन्नी चाहत और इदा लग रहा जिम्मे सारे कजन है। एक बार फील नहीं होया थोड़ा क्राउड वेख के, मैं इंज लग रहा मैं लैलपुर फैसाबाद के जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक एक चीज के सजना पाकिस्तानी शेर, क्योंकि इतने वो नैटवर्क नहीं चलते जिमें उ नोट इतने नहीं चलता इवें उ नैटवर्क नहीं चलता। अक्सर उकात कुड़ियां मोबाइल नंबर दे दें, मोबाइल तो रिंदा बनता जी अगू कुड़ी बोलती मैं बड़ी चवल लगती जी कहती नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट प्लीज ट्राई लीटर, और आखिर नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट 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 दिल दिया कातलों आ फड़ती क्यों नहीं गवर्नमेंट नॉट रिस्पोंडिंग साढ़े सामने सुधीर बैठे ने हाय हाय लो जी नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट तालियां भी नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट ओके। अच्छा मैं समझ गया, पता नहीं अंग्रेजी मैनू भी नहीं आती
अच्छा कई नहीं आती अच्छा अच्छी गल है वैसे ये मैं खुशी हो रही है नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट दिल दया कातला नू ऐ फड़दी क्यों नहीं गवर्नमेंट नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट ते मजनू ते खलो खलो टाणियां निकल आईया मजनू ते खलो खलो टाणियां निकल आईया किसे क्या मजनू नू मजनू तेरी लाला ते काली है किसे क्या मजनू नू मजनू तेरी लाला ते काली है मजनू कहता फिर की होया आ मैं केड़ा विआह लईए मजनू ते खलो खलो टाणियां निकल आईया मजनू ते खलो खलो टाणियां निकल आईया लैला कह गई आई एक मिनट फिर नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट और जिदा तीन घंटे लड़की समझ के पीछा किता जिदा तीन घंटे लड़की समझ के पीछा किता खुसरा निकलिया पल्ले मलंगी तेरी जजमेंट नॉट रिस्पोंडिंग एट द मोमेंट और आखिरी शेर में ज्यादा चाहूंगा बहुत चंगा लगया थैंक यू सो मच सुल्तान मोहम्मद कलंदरी साहब अलकंदरी साहब और ऑनेस्टली इना मोहब्बत वाला एडा ऐसे मैं कितने फील ही नहीं होया अल्लाह की कसम मैं लैल पुरिया लग्या ऐसिया ऐसिया साड़ी जबान सीख के ऐसिया ऐसिया जूता जो आ गई ने ऐसिया ऐसिया गल आ गई ने गाने इन्ने याद ने इन्ने सानू याद ने जिन्हें इन्हों याद ने इन्हों की मोहब्बत का नहीं जानता और पूरी सदर साहब का और माशाल्लाह सब का बहुत बहुत शुक्रिया एक शेर मैं इजाजत चाहवागा मैनू जीवदे जी मारन आलिए मैनू जीवदे जी मारन आलिए शाला तेरा पट्ठा बह जाए मैनू जीवदे जी मारन आलिए शाला तेरा पट्ठा बह जाए जिदे पिछे तू मैनू छड़िया ओ तेनू भैन कह जाए और आपने जरूर एंजॉय किया होगा आपकी तालियां बताएंगे हमारे मेहमान हैं ये आपके पास आए हैं अपनी मोहब्बत देते हैं इनको मैं हिज एक्सीलेंसी को बताना चाहूंगा कि हम अपने हर इवेंट में यहाँ के लोकल टैलेंट को जरूर चांस देते हैं जो हमारे पाकिस्तानी हैं और जनाब वो मुख्तलिफ वीडियोस गाने बनाते हैं फिर हम चाहते हैं कि वो भी हमारी पाकिस्तानी यहाँ पे ऑडियंस के सामने परफॉर्म करें इसी तरह एक नया यंग टैलेंट है कुवैत से है लेकिन मेड इन पाकिस्तान है इरफान हसन आपकी भरपूर तालियों में
भरपूर तालियां अपने लोकल चैलेंज के लिए। अभी तो बड़ी परफॉर्मेंस बाकी है, अभी तो दो शहजादे बाकी हैं, उन्होंने परफॉर्म करना है। और उससे पहले एक और लोकल शहजादा आ रहा है। कुवैत और पाकिस्तान की मोहब्बत बेमिसाल है, और ये जो हमारा भाई है, इसने आज से, मुझे अच्छी तरह याद है, 10 साल पहले एग्जैक्टली ये हमारे लिए हमारा दिली नगमा गाया और हमारे दिलों में जगह बनाई, और आज वो आपके सामने परफॉर्म करने आ रहा है। आपकी तालियां बताएंगी, आपकी मोहब्बत बताएगी, जिस तरह आप पाकिस्तान से आए हुए ऑडियंस और जो हमारे स्टार्स आए हुए हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह हमारे कोई के स्टार है। मैं दावत दूंगा मुबारक अल राशिद को। You know which, which song this one? मैं कोई राह अनजानी, मन चाह मोरा